G20 सम्मेलन के ठीक पहले दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियां कर रही हैं कारकेड की रिहर्सल, यानी कि जहां जहां पर विदेशी मेहमान रुकेंगे उनको वेन्यू तक कैसे लाया जाए और फिर वापस जो होटल से वहां पर ले जाया जाए, इसको लेकर एक पूरी रिहर्सल की जा रही है। आप देखें कि पूरा जो काफिला है इसमें एम्बुलेंस भी हैं, जो गाड़ियां हैं वो शामिल हैं और यहां पर ट्रैफिक पुलिस ने कई जगहों पर रास्ता भी बंद किया हुआ है ताकि जो गाड़ियां हैं वो बड़े आराम से वेन्यू तक पहुँचें। दिल्ली में 18 से 20 ऐसे होटल हैं जहाँ पर विदेशी मेहमान रुकेंगे, जो अलग अलग देशों के कंट्री हेड हैं वो रुकेंगे, तो उनको होटलों से लेकर जो प्रगति मैदान है जहाँ पर G20 समिट होना है वहाँ तक लाना और ले जाना, इसको लेकर जो फुल ड्रेस रिहर्सल है वो की जा रही है। ये आज दिन में 3 बार होगी और रविवार को भी दिन में 3 बार होगी, तो अलग अलग टाइम पर दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली पुलिस के अलावा जो तमाम एजेंसियाँ हैं जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, NSG है, SPG है, तमाम एजेंसियाँ इस फुल ड्रेस रिहर्सल में लगी हुई हैं। नई दिल्ली जिले में जहाँ पर ये रिहर्सल की जा रही है वहाँ पर बहुत जगहों पर ट्रैफिक पुलिस ने रास्ते बंद किए हैं जिससे आम लोगों को ट्रैफिक को लेकर परेशानी हो सकती है, लेकिन इसको लेकर एक एडवाइजरी ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही जारी कर दी थी। तो इस तरह से आज लगातार ये काफिले निकल रहे हैं और अलग अलग होटलों से जहाँ पर विदेशी मेहमान रुकेंगे वहाँ से प्रगति मैदान पहुँच रहे हैं और वहाँ से वापस फिर होटलों में पहुँचेंगे। तो इस तरह से लगातार जो सुरक्षा को लेकर जो एक तैयारी है वो की जा रही है, साथ में कारकेड कैसे निकलेंगे उसको लेकर तैयारी की जा रही है। आप देखें कि लगातार एक और ये काफिला है, ये किसी और कंट्री का काफिला है, ये निकल रहा है और ये भी होटल से जो प्रगति मैदान है वहाँ पर जा रहा है। तो इस तरह से लगातार जो काफिले हैं अलग अलग कंट्रीज़ के वो निकल रहे हैं और 50,000 जवान जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो G20 समिट के दौरान दिल्ली की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। इसके साथ में जो जहां पर वेन्यू है वहां पर वेन्यू कमांडर होगा जो कि स्पेशल CP रैंक का अफसर होगा, जो होटल्स हैं वहां पर कैंप कमांडर होगा जो DCP रैंक का अफसर होगा, हर होटल में एक DCP रैंक का अफसर तैनात होगा। तो इस तरह से सुरक्षा है वो भी पुख्ता की जा रही है और साथ में जो रूट है पूरा उस रूट पर ट्रैफिक पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो तैनात रहेंगे और इस तरह से जो काफिले हैं वो लगातार निकलेंगे क्योंकि करीब 20 कंट्री के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। ऐसे में सुरक्षा क्या हो, रूट कौन सा हो, ये तैयारी आज पूरी की जा रही है और देखें कि लगातार जो काफिले हैं जो गाड़ियाँ हैं कारकेड की वो निकल रही हैं और इस तरह से सुबह 8:30 बजे ये जो रिहर्सल है ये शुरू हो गई थी जो लगातार जारी है और दिल्ली पुलिस अपनी पूरी तैयारी कर रही है क्योंकि ये भी आशंका है कि G20 समिट के दौरान जो आतंकी हैं वो हमला कर सकते हैं, तो उसको लेकर भी जो तमाम सुरक्षा इंतज़ाम हैं वो किए जा रहे हैं। तो जो वेन्यू है और जो होटल्स हैं उनके आसपास सुरक्षा ऐसी की जा रही है कि परिंदा भी पर ना मार पाए। आप देखें कि यहाँ पर तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं ये डॉग स्क्वाड के साथ लगातार जाँच भी कर रहे हैं, जहाँ पर पूरा रूट होगा उसकी जांच की जा रही है और जहाँ पर वेन्यू है जो होटल्स हैं वहाँ पर भी लगातार निगरानी की जा रही है, जांच की जा रही है ताकि कोई भी गड़बड़ी की गुंजाइश ना हो। तो इस तरह से जो पूरा रूट है उस पर रिहर्सल हो रही है लेकिन बाकी हिस्सों में लगातार जो सुरक्षा जाँच है वो की जा रही है। एक और काफिला ये निकल रहा है, तो इस तरह से लगातार जो काफिले हैं वो निकलते जा रहे हैं और प्रगति मैदान पहुँच रहे हैं जहाँ से ये काफिले वापस होटलों में आएंगे और ये तैयारी G20 समिट के लिए हो रही है ताकि कोई भी सुरक्षा में चूक ना होने पाए। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुर्सलिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।